सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ये व्लॉग डाला है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर सच में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मेरी वॉइस अलग सी आ रही होगी। तो मैं एकदम से क्यों मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उसका रीज़न मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोप्रो में माइक तो लगा रखा था अपने हेलमेट पर माइक को मैंने लीड ही नहीं लगा रखी थी। मैंने बाद में चेक करा रिकॉर्डिंग्स पे, जो आवाज़ है वो गोप्रो की है, तो उसमें से क्लियर वॉइस नहीं आ रही, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो पूरी इस व्लॉग में तुम्हें बहुत ही पूरे वॉइस ओवर ही मिलने वाला है, बट तुम्हें मजा आएगा इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि काफी चीजें हुई हैं आज मेरे इस व्लॉग के अंदर। एंड मैं बहुत दिनों से व्लॉग इसलिए भी नहीं डाल पा रहा था क्योंकि काफी ज्यादा बिजी चल रहा था, इस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। हालांकि 3 दिन में मेरे व्लॉग्स आ जाते हैं, बट फिलहाल 5 दिन हो चुके हैं, पर अब मेरे पास कोई कॉन्टेंट नहीं बचा था। तो फिर मैं चल के अपनी बाइक उठा के सीधे बाहर, और इतना ज्यादा जल्दी में था कि मैंने माइक तक का मतलब लगाया ही नहीं गोप्रो के अंदर। तो गाइज यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं सीधे के सीधे, अभी कोई भी रूट हमने डिसाइड नहीं करा है, कहाँ भी कहीं भी जा सकते हैं, रिएक्शन लेते हुए चलेंगे सीधे के सीधे। तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो पूरा व्लॉग लास्ट तक का देखना एंड एंजॉय करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन दबा लो। तो आज बहुत ही ज्यादा धूप हो रही थी यार, पर बात यहाँ पर ये है कि बहुत दिनों बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाली थी, तो भाई आज भगाने में अलग मजा आ रहा है, अलग पावर सी फील हो रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर धूप अभी ठीक ठाक ही आ रही है, इतनी ज्यादा गर्म नहीं हो रहा, बट अभी यहाँ पर अगर 2-1 बज गया ना, उसके बाद खराब हो जाएगी भाई मौसम ही, मतलब यहाँ पर धूप इतनी ज्यादा लगेगी हमारे हाथ जलने लग जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं गाइस श्याम नगर के करीब, एंड यहाँ पर अभी तुम देखो क्या है मेरे सामने देखो, यहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल है जिन्होंने अपनी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, और मैं इनके लिए अब 2-3 ही शब्द बोलूंगा। देखो मेरे भाई, पहली बात है, ये लोग कहते हैं पुलिस वाले कि भाई पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, कि आप पे वो चीज़ लागू नहीं होती, कि आप पे वो चीज़ रूल लागू नहीं होता। अगर हम ऐसे ही दिख जाए, आप रास्ते पे हमें रोकोगे और कहोगे कि भाई हेलमेट कहाँ है, ये कहाँ है, डीएल दिखाओ, वो कहाँ है, अगर हमने जरा सा आर्ग्यूमेंट भी कर लिया, अपने लॉ के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट कर लिया, तो इनको बुरा लग जाता है, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो ये लोग कहने लगते हैं भाई तेरी गाड़ी सीज होगी, वो होगी, यूपी गवर्नमेंट इस पर नजर डाले, तो बाकी तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर एक रॉयल इनफील्ड वाले भैया हमारे साथ मेरी गाड़ी देख के रेस लगाने लग गए, कहने लगे भैया चलो आ रेस लगा ही लिया जाए। पता नहीं क्या है, मेरी गाड़ी देख के लोग बहुत जल्दी रेस लगाने का मूड उनका हो जाता है, और जानते हैं कि हार जाएंगे तब भी रेस लगाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल शेर ही रहता है, मतलब कितना भी भगा लो गाड़ी तुम हारोगे तो हो ही। देखो भैया यहाँ पर देखो कितनी तेजी में निकले हैं, उनका पूरा मूड हो रहा है, उनका ईगो हर्ट हो गया कि भाई ये कैसे निकल गया मेरे से आगे, अभी देखो इनको कैसे चेस करूंगा, कैसे इनको पीछे करूंगा, ठीक है। देखो मतलब फुल मूड में है, वो चाह रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ बंदर रेस लगाए, बिल्कुल रेकलेस लगाए, एकदम हैवी ड्राइवर रेस लगाए, बट यहाँ पर इतना ज्यादा जाम है ना भाई, इतना ज्यादा मैं कटिंग करके निकालने भी नहीं वाला हूँ यहाँ पर गाड़ी। मैंने एक एक्सीलेटर दिया ना भाई, पूरी पीछे हो जाएगी गाड़ी, दिखेगी भी नहीं। अभी देखो यहाँ पर तो मैंने यहाँ से फास्ट निकाल लिया, तो अभी भैया पीछे से आ रहे हैं बहुत तेजी में, उनकी आग लगी हुई है कि भैया हराएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक्सीलेटर बढ़ाया तो फिर भाई ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे पीछे, देखना। यहाँ से मैंने 103 की रफ्तार में भगाया तो भैया बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए भाई, आ जाओ अब रेस लगा लो, अब क्या हो गया, आ जाओ भाई कहाँ हो, अब नहीं लगाओगे रेस, देख लो भैया अब जी देखो निकलेंगे, ये देखो यहाँ से निकलेंगे फटाफट, देखो अभी यहाँ पर देखो ये गए, हाँ ये हाँ मेरी जान, रेस लगाना चाहते हो भाई बढ़िया चला रहे थे बंदे, जो भी थे बढ़िया चला रहे थे, बट ये है कि देखो भाई ऐसे अगर तुम लोग रास्ते में मिलते हो रेस लगाते हो तो हेलमेट लगा के करो, प्रॉपर गियर के साथ करो, तब रेस लगाओ। और यहाँ पर मैंने भैया को पीछे छोड़ दिया, यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे आगे की तरफ। तो आज मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है, मैं चलता जा रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो भी हो रही है वो एज इट इज चल रही है, एंड यहाँ पर रिएक्शन बटोर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ रिएक्शन ले सकूँ बहुत लोगों के, एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना भाई, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कुछ पीने का मन कर रहा है, तो अभी रुकते हैं कहीं पर कुछ पिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, एकदम नंगे पुंगे भैया, क्या हो गया यार, और हाथ दे रहे पता नहीं क्या है भाई, पागल है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी। फिलहाल अभी यहाँ पर मुझे एक और अपनी RR 310 मिल गई, तो अब जरा इन भैया को देखो, अरे 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 क्या हो गया मेरे भाई, अरे भाई को एकदम से जोश आ गया भाई, मेरे साथ रेस लगाना चाह रहा है, देखो एक और आज के पूरे दिन में ये दूसरा बंदा है जो मेरे साथ रेस लगाना चाहता है, देखो कैसे तो चला रहा भाई, मेरे हेलमेट ही ऊपर जा रहा भाई, गिरा तो हेलमेट तो खुल ही जाएगा इसका, यार इसको समझाना जरूरी है, ये बात सुनो जरा तुम लोग, यहाँ पर हेलमेट नहीं करो भाई, हेलमेट थोड़ा सही पर पहन के करो, अच्छा भाई कह रहे भाई, कहने लगा हेलमेट लूज है, उसके पास सॉरी भी बोलने लगा, ये गए तो दूसरे आ गए, ये देखो इनको, ये भी रेस लगाना चाह रहे हमसे, वो भी पीछे एक बंदा बैठा के,
भाई यार क्या हद है, आज ये तीसरे बंदे जो मेरे साथ रेस लगाना चाह रहे, पता नहीं मेरे को देख के लोगों को वोट क्या जाता है यार, वो मुझे रेसर समझते हैं क्या? भाई देखो रेस लगाओ बट स्ट्रीट रोड पे रेस लगाना सेफ नहीं होता है। सो गाइस आज का ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा रह गया बट कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा तो मेरे भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगली बार तुम्हारे लिए बड़ा वाला व्लॉग लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर तुम्हें अभी यार फिलहाल के तौर पर अपने भाई को सपोर्ट करो, और मैं चाहता हूँ कि यार जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर कम से कम 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए एंड मोनेटाइजेशन ओपन हो जाए, तो तुम्हारा भाई भाई अर्निंग करना चालू कर देगा, कम से कम पेट्रोल का खर्चा निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, थैंक यू।